जी, असल में ये जो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इस्लाम है अजीत जी, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा बुनियादी बात कि मुस्लिम मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में। जहाँ पे माइनॉरिटी होगी वहाँ पे शुगर कोटेड वर्जन होगा, यानी मक्की इस्लाम जो था रसूलुल्लाह के ज़माने पे, जब उनके पास पावर नहीं आया था, तो एक सॉफ्ट वर्जन के लकुम दीन कुम वलिया दीन, जो आज के जो हिंदुस्तान के जो मौलाना है जो अक्सर टीवी डिबेट्स पे आते हैं, वो इन आयतों का सहारा लेते हैं, लकुम दीन कुम वलिया दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, यानी एक एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, को एग्जिस्टेंस। तो ये तभी था जब इस्लाम पावर में नहीं था। तो डिपेंड करता है कि मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में। अगर मेजोरिटी में है तो वो आपको एक अलग इस्लाम मिलेगा जो डंके की चोट पे कहेगा कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा वरना आपको जिजिया देना पड़ेगा वरना लड़ाई करना पड़ेगा। और अगर माइनॉरिटी में है तो जैसा हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान हैं, वो सॉफ्ट वर्जन शुगर कोटेड वर्जन के आप मिलजुल के रह सकते हैं, गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, हम सब एक है और आप भी सही हम भी सही, इस तरीके की बातें आपको मिलेगी। तो बुनियादी वजह यह है कि मेजोरिटी या माइनॉरिटी इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा इस्लामिक वर्जन आपके सामने होगा।